आई uh, रिम्बर मैं बॉम्बे आया था और पहला पहला कुछ काम था कि एपिसोडिक कुछ काम है तो बहुत सोचा फिर कर लिया और मैं वैनिटी वैन में था आई रिम्बर मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था और ये और मोना जो मिली प्ले कर रही थी तो ये दोनों मैं वैन में आए थे मिलने के लिए मुझसे सो so, मैं अपनी बड़ी स्क्रिप्ट में व्यस्त था और अपने स्क्रिप्ट पढ़ रहा था बार बार क्योंकि यू you नो know, पहली पहली बार मैं कुछ करने जा रहा था और तो मैं मेरा पूरा ध्यान स्क्रिप्ट में था हुँ. और मैं बस मेरे ख्याल से सिर्फ हाय किया दैट्स इट आई जितना मुझे याद है हाँ ही वाज वेरी मतलब वी फेल्ट दैट ही वाज वेरी रूड क्योंकि उस वक्त हम सीनियर थे हम शो कर रहे थे एक साल से <laughs> और हम हमको बताया गया कि चलो हमारे सीन्स थे कुछ तो हमको बताया गया अच्छा ये है तो इनसे तो मिलना एंड ही वाज वेरी रूड

और हाँ अक्सर तो मैं ही बोलता हूँ <laughs> अक्सर गलती <laughs> यही होती है <laughs> तो मतलब जब डेट कर रहे थे तो कब ऐसा लगा कि यार चलो शादी कर लेते हैं और जब शादी के लिए मतलब पहले से ही फैमिली को तो पता ही होगा और मतलब कैसा रिएक्शन था वहाँ से माय फैमिली वाज क्वाइट ओके बिकॉज़ दे लाइक हिम बट हिज फैमिली इट वाज द फर्स्ट पहला लव मैरिज दे आल्सो लाइक टू ऐसा नहीं है दे लव्ड मी बट ये था कि uh, पहला लव मैरिज था इनकी फैमिली तो वो थोड़े से अप्रिहेंसिव थे कि हमारा बच्चा यू you नो know, दिल्ली के बच्चे और फैमिली बिजनेस फैमिली जॉइंट फैमिली में पला बढ़ा पहली बार कोई घर से दुनिया मतलब बाहर की दुनिया में गया है बॉम्बे आया है और एक लड़की भी पसंद कर ली है शादी करने जा रहा है आई वाज अ आई वाज इन टू मीडिया आई वाज एक्ट्रेस था थोड़ा आया थोड़ा सा इनहिबिशन होते हैं या एप्रेंसिव थे कि कोई हमारे मेरे बहुत प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं और यू नो मेरी जॉइंट फैमिली है तो बहुत प्रोटेक्टिव रहे हैं कि कोई फसान ना ले कोई कुछ ना कर ले और जब मैं बॉम्बे भी आ रहा तब भी उनको लगता था यार कुछ गलत चक््रों में ना पड़ जाए और सिर्फ काम पे ध्यान रखे अपना तो टच ऐसा तो कुछ नहीं हुआ और अदिति के लिए भाई उसी का ही अप्रीहेंशन था कि कौन है क्या है बट वंस दे यहाँ पर आए और मिले अदिति से और पेरेंट्स से मिले आई थिंक फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई आप दोनों ही एक्टिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कभी ऐसा हुआ कि कोई मतलब आया और दो, आप दोनों में से, मतलब एक दूसरे के पिलर की तरह खड़े जब सबसे ज्यादा शादी के बाद नॉट पर्सनल बट प्रोफेशनल फाइनेंशियल बिकॉज हमने सब अपनी सेविंग्स शादी में बियड अ हाउस एंड ऐसा फेज आया कि जब दोनों के पास यू नो वी वर नॉट वर्किंग सो दे वॉज अ फेज जहाँ पे Uh, हमने वो फेज़ कभी देखा नहीं था और मैंने तो कभी नहीं देखा था बट मैं अगर कहूँगी मेरा सबसे मेमोरेबल फेज़ वही है अभी तक का मेरी लाइफ में बिकॉज उसने हमें बहुत हमारे फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हमें बहुत सिखाया uh, एक दूसरे की वैल्यू करना जो भी हमारे लाइफ में है उन चीज़ों की वैल्यू करना सब कुछ सिखाया एंड वी डेल्ट विद इट टुगेदर वेरी ब्यूटिफुली वी वेरी ओपनली टॉक अबाउट इट कि हम कहते हैं कि ये होता है ऐसी सिचुएशन आती है एंड मैंने एक स्टेप लिया उसके वो जब सिचुएशन आई थी तो आई थॉट दैट क्योंकि मेरा एक पैशन था रेस्टोरेंट करने का और uh, अपनी एक स्पेस बनाने का तो मुझे ऐसे लगा कि यार दोनों का प्रोफेशन ना सिमिलर नहीं होना चाहिए शायद बिकॉज यू नो दैट कभी कभी uh, दोनों के साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं तो देन आई स्टेप्ट आउट ऑफ मीडिया फॉर अ वाइल एंड देन मैंने अपने रेस्टोरेंट शुरू किए एंड आई थिंक इट्स बीन लाइक बाई गॉड्स ग्रेस कर पाई कुछ डिफरेंट जब इन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री से ब्रेक लिया तो उस वक्त कहते हैं ना को बहुत प्यार होता है अपने काम से से कैमरे एक सर्टेन फैन फॉलोइंग होती है और जिस चीज से आप बहुत प्यार कर रहे हो इतना पैशनेटली फिर उससे जब ब्रेक लिया तो आपका रिएक्शन कैसा था अदिति ने एक्चुअली बहुत बड़ा ये एक तरह से तो सेक्रीफाइस ही है ना आप अपना चलता हुआ एक्टिंग का करियर छोड़ के एक दूसरे उसमें जाना और वहाँ पे अपना नाम बनाना हुँ, वहाँ हुँ. पे सक्सीड करना बहुत बड़ी बात है और आई एम सो प्राउड ऑफ मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ अदिति के लिए सीरियसली uh, जो उसने आज अचीव किया इन, इन, रो रही है नहीं <laughs> तो इन इन uh, कुछ सालों में हाँ. तो आई थिंक uh, और सपोर्ट भी है ऑब्वियसली लक है यू नो गॉड सपोर्टेड है कहते हैं जब बच्चे लाइफ में आते हैं तो लाइफ बहुत चेंज हो जाती है पेरेंट्स बनने के बाद कितनी लाइफ चेंज हुई आप दोनों मेरी नींद उड़ गई है वो तो है पिछले सात आठ रात से सोई नहीं हूँ बट आई थिंक टच वुड आई मीन ये लोग कहते हैं बट uh, एक बीर जो है वो बिल्कुल हमारे जैसा ही है वो मतलब हमारे में ना वो घुल मिल गया है मतलब ही इज नेवर ऐसा कुछ नहीं लगता कि उसके वजह से हम कोई चीज नहीं कर रहे हैं या उसके वजह से कोई चीज कर रहे हैं ऐसा नहीं है When the kid comes in, आपका सारा टेंशन Kids takes and you know, the, आपके हस्बैंड और मेरे और इसके बीच में वो रिलेशनशिप जो पहले भी था वी स्टिल तो, you know, ऐसा हो गया था you know, ज्यादा टाइम स्पेंड करा था एक बीर के साथ और मुझे लगने लग गया था कि यार आदित्य के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो मतलब दोनों में सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है और कौन सबसे ज्यादा यू नो सरप्राइज प्लान करता है या डिनर प्लान करता है सरप्राइजेस तो मैं करती हूँ प्लान ही कैन नॉट प्लान सरप्राइजेस ही ट्राइज बट वो सरप्राइज हमेशा मुझे पता चल जाता है और मतलब एक दूसरे की अच्छी बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन एक एक अगर मैं आप दोनों से जानूँ तो बहुत सारी मतलब एक अच्छी बात, और एक वियर्ड बात हाँ हम मुझे तो मुझे है अदिति से कंप्लेंट

नो मैटर व्हाट मतलब अभी भी हमारा बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है तो अभी भी आज हम जाएंगे hmm. अभी एक बी इज नॉट वरी और money, और हम रात को वी डू आवर डेट नाइट्स कभी-कभी एक भी सो जाता है तो भी एक कैंडल जलाते हैं वाइन की बॉटल मंगवाते हैं और अच्छा मेक sure अच्छा खाना खाते हैं <laughs> और वाइन पीते हैं अच्छा म्यूजिक सुनते हैं वी टॉक विद ईच अदर बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके और बहुत मजा आया बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर जिंदगी से बात करने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू यू बहुत मजा आया थैंक थैंक यू